हेलो एवरीवन, मैं हूं नेमत और मेरे किचन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पोटली वाली बासमती राइस बना रही हूं, जिसमें बहुत ही खुशबू होता है और ये बहुत ही हेल्दी बनता है, बहुत ही लाइट बनता है, लेकिन खुशबू और टेस्ट से भरपूर बनता है। तो बने रहें मेरे साथ और इस आसान सी रेसिपी को बनाने का तरीका सीखें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले होल गरम मसाले का एक पाउडर तैयार करेंगे, जिसे हमें अपने पुलाव के पानी में डालना है ताकि ये खुशबूदार बन सके। तो हमने यहाँ पर 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून धनिया लिया है। अब इसी के साथ हम कुछ होल गरम मसाले, खुशबूदार गरम मसालों को भी कूट लेंगे ताकि पुलाव हमारा बहुत ही खुशबूदार बने और वो हमें खाते वक्त तकलीफ भी ना दे, हमारे मुंह में ना आए। तो लौंग, इलायची और स्टार एनिस है। अब 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पर काली मिर्च लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हमें कूट लेना है। अब जावित्री का फूल भी इसमें डाल देते हैं ताकि ये और खुशबूदार हो जाए और फिर इसे हम दरदरा सा कूट लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे दरदरा सा कूट लिया है और अब इसे एक सादे कपड़े पर ढाल देना है और इसकी एक ढीली सी पोटली बांध लेना है। और ध्यान रखना है कि कपड़ा मलमल का होना चाहिए ताकि उससे आप इसके सारे रस को निचोड़ सके। अगर गाढ़ा कपड़ा होगा तो वो खुलकर कुप्पा हो जाएगा। एक कुकर को गरम कर लेना है और उसमें 2 टेबल स्पून प्योर घी डालना है। आप चाहें तो यहाँ पर ऑलिव ऑयल या कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालकर पका लेना है हल्का सा। अब ये थोड़ा सा लाल हो चुका है तो इसे निकाल लेना है। अब बचे हुए घी में एक दालचीनी डाल देना है और इसमें 2 कटी हुई प्याज और 2 हरी मिर्च डालकर थोड़ा सा इसे पका लेना है। लाल नहीं करना है, बस इसे सॉफ्ट कर लेना है। अब प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है तो यहाँ पर हम डालेंगे मिली हुई गिली हुई सब्जी। इसमें मटर है, गाजर है और बीन्स है। आप अपनी पसंद की सब्जी यहाँ पर डाल सकते हैं। अब 2-3 मिनट तक इसे भी हम प्याज के साथ थोड़ा सा पका लेंगे। अब 2 मिनट तक हमने सब्जी को थोड़ा सा सौते कर लिया है, इससे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे बॉयल किया हुआ न्यूट्री नगेट। ये चावल में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा और ये काफ़ी हेल्दी हो जाएगा। तो इसे भी हम 1-2 मिनट तक पका लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और यहीं पर हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें चावल से दुगना लेना है। मैंने 1 कप चावल लिया है तो 2 कप यहाँ पर पानी डाल देना है। अब इसे बॉयल कर लेना है। अब पानी में उबाल आ गया है तो यहाँ पर हम ये पोटली डाल देंगे जिसे हमने तैयार करके रखा था। साथ ही यहीं पर हम चावल भी डाल देंगे। चावल को हमने 1 घंटा पहले धोकर भिगो दिया था और अब छानकर इसमें डाल देना है। और जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखा था वो भी यहीं पर डाल देना है। इससे ना सिर्फ चावल खुशबूदार मज़ेदार बनेगा बल्कि ये हेल्दी भी बनेगा। अब कुकर को हमें फुल फ्लेम पर चढ़ाना है और इसमें ढक्कन बंद कर देना है। जैसे ही पहली सीटी आएगी वैसे ही हम फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर को अपने आप ही ठंडा होने देंगे। तो यहाँ हमें ढक्कन को बंद कर देना है। अब कुकर बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि किनारे पर दाने बिल्कुल खिले खिले से दिख रहे हैं। तो इसी वक्त
चावल को प्लेट में सर्व करने के लिए निकालना चाहिए। बिल्कुल गर्मा गर्म चावल निकालने से चावल टूटते हैं। और ये वो पोटली है जिसे हमने डाला था, तो अब इसे निकाल लेते हैं क्योंकि इसने अपना काम कर लिया है। मैंने यहाँ पर इंडिया गेट का देहरादून बासमती राइस इस्तेमाल किया है। इसके गीला होने का चांस ना के बराबर होता है। इसे हैंडल करना आसान है, तो जिन लोगों को रिस्क लेने में डर लगता है वो पुलाव इस चावल से बना सकते हैं। तो इस तरह से आप चावल बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और आज मैं इसे दही के साथ सर्व करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसे किसी भी शोरबेदार सब्जी के साथ या चिकन के साथ परोस सकते हैं। तो दोस्तों, इस आसान सी डिश को आप भी बनाएं। ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबुओं से भरपूर है, क्योंकि मैंने इसमें गरम मसाले की पोटली डाली थी। तो ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मुंह में बार बार काली मिर्च या गरम मसाले नहीं अटकेंगे। तो इस तरह से बनाएं, खाएं और खिलाएं। उम्मीद है आज की रेसिपी को आपने इन्जॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।